जब आप अपने ऊपर कोई मीम्स बने हुए देखते हो, जो सोशल मीडिया पे मीम्स आते हैं, तो वो मीम देख के आपको हंसी आती है, वैसे आपने कहा गुस्सा गुस्सा तो आता नहीं ज़्यादा करके, लेकिन वो जो मीम्स आप देखते हो तो आपको कैसा लगता है? जैसे देखो, मैं कुछ चार पांच मीम लेके आया हूँ, ये देखिए, ये लिखा है, दिस टी सेलर कैन गिव नेशन यूनिटी, इक्वालिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक है, इसमें लिखा हुआ है, चटनी के बिना ढोकला है बेकार, अब की बार मोदी सरकार। ये देखिए, हमारे मेरे ही सारे फ्रेटर्निटी के लोग आए थे आपसे मिले, तो सबके चेहरे यहाँ लगा दिया जय श्री राम। ये आपने देखा कभी? ये मैंने नहीं देखा, ये आज देख रहा हूँ। अच्छा, ये नहीं देखा आपने। तो ये रोहित शेट्टी जो है, ये एक्शन डायरेक्टर हैं, मीट नरेंद्र मोदी जी, और अगले दिन आपको उन पर ऐसा इतना असर पड़ा, सीधा मोटरसाइकिल लिया आपने, निकल पड़े। तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ, हाँ, मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। हाँ, तो मुझे उस क्रिएटिविटी के प्रति, यानी मेरा घोर भी विरोध होगा, मुझे बड़ा मजा आता, क्या बड़े सटीक तरीके से कहा है उसने। मतलब बहुत अच्छी क्रिएटिविटी उनकी है, मतलब क्या सोचते हैं ये लोग, और यूं झटके में सोच रहे। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जी। मैं आपको बताऊं, आप और मैं भी बात कर रहे हैं, जब सोशल मीडिया का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये है कि मुझे कॉमन मैन की जो सेंस है, हाँ, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसका एनालिसिस है, ये समझने में बड़ा। वरना क्या होता है, ये बनी बनाई लोगों की जो परोसी हुई चीज होती थी जी, फाइव स्टार फूड जैसा होता था वो, ये एक प्रकार से फुटपाथ पर का जो चने चबेने और पकौड़ा होता है, हाँ हाँ, वैसा सोशल मीडिया का मटेरियल होता है, फिनिश नहीं होता, लेकिन उसमें से आपको सच्चाई हाथ लग जाती है। मैं तो ये वेट कर रहा हूँ, जब ये आएगा तो इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे। हाँ, इसके ऊपर भी बड़े मीम्स बनेंगे, तो आप तो खैर तैयार हैं। मैं मुझे, मेरे लिए पहली बार होगा ये, मतलब कुछ लोग होते हैं इंटेंशन से आपको चुभे इसलिए करते हैं जी, जानबूझ करके, उस समय आपने अपने आप को संतुलित रखने से उसके सारे इरादे फेल हो जाते हैं, और वो उसको उसकी नींद आराम कर देते हैं। अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसको मजा आ जाता है, लेकिन देखा छोड़ दिया तो उसकी नींद खराब है। मैंने इतनी मेहनत की, इतना मोदी जी के बाल नोचने वाली चीज की, मोदी को कोई हो ही नहीं रहा है, तो वो परेशान हो जाता। हाँ, फिर वो अपना बंद भी कर देता थोड़ी देर बाद।